हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स ऑफ बिहार 121। बिहार के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए एकमात्र यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स ऑफ बिहार 121। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार बोर्ड में टॉप 10 आने वाले बच्चों को क्या क्या इनाम मिलता है और उन्हें कितना रुपया कैश दिया जाता है। दोस्तों, इनाम के बारे में जानने से पहले हम यह जानते हैं कि आखिर बिहार बोर्ड में टॉपर को कैसे चुना जाता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि बिहार बोर्ड में टॉप 10 में सिर्फ 10 स्टूडेंट ही आते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टॉप 10 में कभी कभी तो 150 तक बच्चे आ जाते हैं। अब यह कैसे होता है, आइए हम आपको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। दोस्तों, होता यह है कि बिहार बोर्ड में समझिए कि एक लड़के का सबसे अधिक नंबर आता है 490 नंबर, जो 500 में से है, और 490 नंबर बिहार के टॉपर लिस्ट का नंबर हो जाता है, और 490 से अधिक किसी का नंबर नहीं होता है। तो यह हो गया बिहार बोर्ड का टॉपर, और इससे 5 नंबर पीछे तक यानी कि 486 तक हो जाएगा टॉप 10 स्टूडेंट का लिस्ट। 486 से लेकर 490 तक जितने भी बच्चों का रिजल्ट आएगा तो इन बच्चों को टॉप 10 के लिए छांट लिया जाता है। अब 486 से लेकर 490 तक के जितने भी बच्चों का रिजल्ट आएगा तो इन्हें टॉप 10 के लिए जगह मिलता है। अब आपको इसमें सिर्फ 5 नंबर का गैप दिख रहा है, लेकिन ये 5 नंबर के अंतर में ही हजारों बच्चे आ जाते हैं। जैसे पिछले साल के जो टॉप 3 के बच्चे थे, उन तीनों का नंबर 484 ही था, ये तीनों बच्चे टॉप 1 में ही शामिल थे। इसी प्रकार 486 से लेकर 490 के बीच में जितने भी बच्चों का अब नंबर आएगा तो उन्हें टॉप 10 के लिए अलग कर लिया जाता है। अब इन सारे बच्चों को मिलाया जाए तो हजार से भी ज्यादा कॉपी हो जाती है। इन सारे कॉपी को फिर से दोबारा से एक स्पेशल टीम के द्वारा चेक किया जाता है। दोबारा से कॉपी चेक करने पर बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे छांट दिया जाता है। इसके बाद कुछ बच्चे बचते हैं तो उन्हें इंटरव्यू के लिए पटना बुलाया जाता है, और सबसे पहले तो इंटरव्यू में उनके हैंड राइटिंग को चेक किया जाता है, और हैंड राइटिंग में भी कुछ बच्चों को छांट दिया जाता है। उसके बाद एक विशेष टीम द्वारा इन बच्चों का इंटरव्यू लिया जाता है मौखिक, जिसमें सभी विषयों से लगभग 30 से 40 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का जवाब देते देते बच्चों की संख्या और भी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी ये संख्या 100 के करीब रहती है या कभी कभी 100 से ऊपर भी हो जाती है, और इस तरह से बिहार बोर्ड के टॉपर को चुना जाता है। अब टॉप 1 में ऐसा नहीं है कि एक ही स्टूडेंट होता है, टॉप 1 में 2-4 और कभी कभी 10 बच्चे भी शामिल रहते हैं। इसी प्रकार टॉप 2, टॉप 3 और ये ऐसे करते करते टॉप 10 तक आते आते 100 से अधिक बच्चे शामिल हो जाते हैं। ये सब होने के बाद ही रिजल्ट को घोषित किया जाता है। रिजल्ट आने के बाद जितने भी बच्चे टॉप 10 में आए रहते हैं उन्हें 3 दिसंबर को पटना में मेगा दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है, और इसी आयोजन में इन बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है, जो बिहार के बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा इन्हें पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सभी को यह बताता चलूं कि प्रत्येक 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जयंती के शुभ अवसर को बिहार में मेघा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन मेघावी छात्रों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि टॉप 10 में आए छात्रों को क्या क्या पुरस्कार दिया जाता है। तो जो बच्चे टॉप 10 में 1 नंबर पे रहते हैं उन्हें 1,00,000 रुपया और 1 लैपटॉप तथा 1 किंडल ई बुक रीडर पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, तथा इन बच्चों को बिहार सरकार के द्वारा एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। इसके बाद जो बच्चे बिहार बोर्ड के टॉप 10 में दूसरे स्थान पर रहते हैं उन्हें 75,000 रुपया दिया जाता है, तथा एक लैपटॉप और एक किंडल ई बुक रीडर भी दिया जाता है। इसी प्रकार जो बच्चे बिहार बोर्ड में टॉप 10 में तीसरे स्थान पर होते हैं उन्हें 50,000 रुपये तथा एक लैपटॉप और एक किंडल ई बुक रीडर दिया जाता है। इसी तरह जो बच्चे बिहार बोर्ड में टॉप 10 में 4 स्थान से लेकर 10वां स्थान तक रहते हैं उन्हें 10,000 रुपया तथा एक लैपटॉप दिया जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, बिहार बोर्ड में जितने भी बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए रहते हैं उन सभी को बिहार सरकार के द्वारा 10,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया जाता है। दोस्तों, यह था बिहार बोर्ड में टॉपर को मिलने वाला इनाम।
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं बिहार के बारे में संपूर्ण जानकारी। We will see in the next video with the next topics. Thanks for watching Students of Bihar 1 to 1. Connect with us.